या ऐसा ऐसा मेरा खास दोस्त है, जिगरी दोस्त है, इसको तो एक वैकेंसी देना ही पड़ेगा सर, है एक वैकेंसी देना ही पड़ेगा सर। तो आप इस तरीके से बात करो। ऐसे ही आपका एक्स फौजी भाई है, फौजी भाई है सर, देखो एक आर्मी का है और आप भी आर्मी के हो सर, आपने भी तो बहुत सारे बेकरूल फंटरूल किया सर, फौजी आदमियों को कहाँ जगह मिलती है, आप सर फौजी, इसको तो मौका देना ही पड़ेगा। प्लीज सर, प्लीज आशीष जी, देखो आप भी फौजी हो सर, दे दो सर एक वैकेंसी दे दो। अरे सर ये मतलब 5 मिनट पहले मैं इनको एंट्री करवा दूंगा, पैनल फुल हो गए तो क्या होगा। ये आप इम्पोर्टेंस भी नहीं डालते हो, आप सिर्फ बोलते हो आ जाना, और आप जो है उसको लिंक भेज दे तो आ जाएगा, नहीं आएगा उसको। आपने ऐसे इंपोर्टेंस देके तो वैकेंसी लिया, किसी को भी अप्लाइन बना लो, उसको पहले बता दो कि मेरे को एक वैकेंसी करवानी है क्रिएट। तू सोचना तू अप्लाइन है मेरा, है तो ग्रो लाइन, लेकिन तेरे को अभी अप्लाइन मिल नहीं रहा है तो तेरे को ऐसे ऐसे बोलना है, तेरे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तू थोड़ा नखरा करके फिर वैकेंसी देना, ठीक है, पहले बता दो उसको। ऐसा ना हो आपने फोन लगाया बोला अरे पूरा पैनल तो खाली पड़ा रहता है यार, कहाँ आप, क्यों वैकेंसी की चिंता कर रहे हो। अरे उसमें तो आशीष कुमार शाह ने 500 की ले रखी, 200 लोग आते हैं, 300 खाली रहता है, कर दिया तेरा पूरा ओ है पोप लीला, पर्दा उठा दिया, सही है, पर्दा नहीं उठाना है हमारा, वो अंदर का राज है, जब आएगा तो खुद ही समझ जाएगा। अच्छा अभी इतने ही लोग है, बोलना था कि 1000 लोग आते हैं, इसमें तो अभी 200-250 ही आए हैं, सही है। लेकिन सच में ही अगर 500 से ज्यादा लोग हो गए, कोई एंट्री भी नहीं कर पा रहा, तो उसको पता चल जाएगा यार सही बोला था इन्होंने, सही है। तो अब वैकेंसी कैसे क्रिएट करनी है, पता चल गया इंपॉर्टेंस, पता चल गया इनविटेशन का, इनविटेशन बहुत बढ़िया से करना है, पावरफुल करना है, और एनर्जेटिक इनविटेशन करना है, एक्साइटमेंट के साथ, उससे लोगों को फीलिंग आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, इज इट राइट। आप क्या कहते हैं ये मायना नहीं रखता है, लेकिन आप कैसे कहते हैं इससे बड़ा मायना रखता है, कर लेंगे। अब देखो आपने क्रिएट कर दी वैकेंसी, उसको जूम डाउनलोड करवा दिया, उसको थर्ड पार्टी करके एक वैकेंसी भी ले ली, अब शाम को उसको रिमाइंडर करना हमारा काम है कि देखो सर ऐसा है, बड़ी मुश्किल से वैकेंसी मिली है, और आप सर ना अर्ली सुबह टाइमली 5 मिनट की जगह 10 मिनट 7 मिनट पहले आ जाना सर, मैं आपका इंतजार करूंगा और आपको सबसे पहले एंट्री करवाऊंगा। अब सुबह 10 बजे प्लान है तो आप 9 बजे एक रिमाइंडर मैसेज भेज दो कि सरपंच साहब आपको ना इतने बजे एंट्री कर लेना है, बहुत ज्यादा रश है आज, ठीक है, और आज का दिन आपका शुभ हो, आज का दिन टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, बहुत बढ़िया, वेलकम सर। और हो सके तो सर देखो पैनल बड़ी मुश्किल से मिला, आप अगर अपनी मैडम को भी उधर बिठा लेंगे साथ में, तो साथ में लिंक लोग बैठ सकते हैं, परिवार वाले लोग भी बैठ सकते हैं, तो बोलेगा अरे रामूडी तू भी आ जा, मैडम को बोलेगा आजा आजा तू भी आजा देख ले, सही है, तो वो भी देख लेगी तो अपना काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार सम्मान पूर्वक है, तो इसको चेक कैसे करोगे, इसको चेक ये करो कि आपके साथ में अगर कोई ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा, आप किसी के साथ जो व्यवहार करने जा रहे हो, जो बात बोलने जा रहे हो, वो पहले खुद के ऊपर टेस्ट कर लो कि ये बात मुझे बोली जाएगी तो मुझे कैसा लगेगा, ठीक है। वे अपने गेस्ट का निरादर करते हैं, वे ज्यादातर प्लान अनुपस्थित रहते हैं, ए बोलते गेस्ट को ए टाई क्यों नहीं लगा गया, तू किसी टीम से आया, अरे सर मैं तो पहली बार आया हूँ, अरे पहली बार आया तो क्या तू जूते क्यों नहीं पहन के आया, अरे सॉरी सॉरी नहीं एंट्री नहीं होगा, अरे वो तो नया आया है यार, उसको बोलो कोई बात नहीं सर आइए आइए सर, इधर वॉशरूम है, इधर पानी पीजिए, और किसकी टीम से, मैं सर धर्मेंद्र की टीम से हूँ, अरे वाह क्या बात है धर्मेंद्र जी बहुत गजब लीडर है, कहीं बिजी हो गए होंगे, कहीं लेट हो गए होंगे, चलो आप आइए जल्दी, ऐसे नहीं बोलते धर्मेंद्र तो लटूरा है, वो भी लेट आता है, तू भी लेट आता है, कौन सा ये है उसका डीएडिफिकेशन कर दिया बेचारे का, वो ज्वाइन थोड़ी होगा, आपको रेस्पेक्ट देना है, किसी का भी गेस्ट होने दो, करेंगे रेस्पेक्ट करेंगे। और देखो निरादर मतलब किसी आदमी का आदर नहीं करना इस बिजनेस का सबसे बड़ा अपराध है। आप मुझे बताओ बाहरी दुनिया में जब वो जॉब पे जाता है तो बॉस उसका निरादर करता है, बॉस जो मर्जी बोल देता है, उसको सहना पड़ता है, उसकी मजबूरी है, बेचारा वहां से छूट के आता है घर की तरफ, और घर में आते ही मैडम ने निरादर कर दिया कि ए क्या नहीं लाया तू ये नमूना, तेरे साथ शादी करके तो ऐसे ही फंस गई है, ऐसी बोलती बहुत सारी मैडम है बेचारी है, तो वो यहाँ पे भी उसको आदर नहीं मिल रहा, बच्चे भी उसके आदर नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बोले तू पैसा नहीं दे रहा, कैसा है तू, निरादर मतलब रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा। लेकिन हमारे बिजनेस में जब हम उनको रेस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे,
तो वो आदमी न तो ऑफिस जाएगा टाइम पे ना घर पे टाइम पे जाएगा। वो बोलेगा सिस्टम में चलता हूँ, ट्रेनिंग में चलता हूँ, साइड में बैठ के कहीं भी ट्रेनिंग में आ जाएगा, क्योंकि उसको नशा है, आपके साथ उसको अच्छा लगता है, राइट। और वो आपसे बात भी करेगा। तो उनका ये दूसरे जो लोग हैं, लोग क्या करते हैं, उनका स्वयं में ही रहता है, इसलिए सिस्टम को भी फॉलो नहीं करते, अपनी मर्जी से फॉलो अप पर जाते हैं। अभी आज बहुत सारे लोग हैं ना, खुद ही अपने ग्रुप का ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उन्होंने अपने टीम को लिंक ही नहीं भेजा होगा। आप चाहो तो वेरीफाई कर लेना। आप बलविंदर जी, आप तीनों के तीनों चारों लोगों ने कैसे पर्दा लगा दिया रहे? एक आध तो मेरे सामने रहो, ठीक है। नहीं आ गया उधर रोड, ऐसा तो प्रेजेंट हो गए। क्या ब्रेकफास्ट कर रहा मिलने लग गया क्या नहीं, उधर बलविंदर? असल ये जो है ना, अपनी मनमर्जी से करते हैं, ये जो है ये नेटवर्किंग की जगह सेटवर्किंग करते हैं। अपलाइन की ट्रेनिंग हो रही है तो फिर तू अलग से कौन सा इंजेक्शन दे रहा भाई, तू अलग से कौन सा टेबलेट दे रहा है? इसका मतलब तू सिस्टम को डीएडिफाई कर रहा है। अगर आप गोल्ड हैं, पर्ल हैं, और आपका टोपाज कोई ट्रेनिंग मीटिंग ले रहा है या रेड क्लब ले रहा है, तो पहले प्रायोरिटी उसमें जाना। और टीम को पता चल गया अगर कि ये सर्किट ट्रेनिंग है, डायमंड की ट्रेनिंग है, और आप गए नहीं है, तो आपका पूरा सिस्टम का डीएडिफिकेशन हो गया। आपके लीडर ज्यादा दिन आपकी बात नहीं मानेंगे, और वो इनसिक्योरिटी महसूस करेंगे कि यार हमें अलग क्यों रखा जा रहा है, घेरा क्यों डाला जा रहा है। समझ में आ रहा है मुझे यस क्या भाई, करना है? क्या मैं लोगों के डीडी को खुद से भेजता हूँ? उनके पास ये सब करने के लायक समय नहीं है। देखो पहले क्या करते थे, हम डीडी भेजते थे तो डीडी बनवाना भी पड़ता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो हाथों हाथ कार्ड से पेमेंट करवाते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाले लोग बोलते हैं कि यार तू ही कर देना, थोड़ा उसको शुरू में रेस्पेक्ट के साथ में करना सिखाना होता है। क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूँ? ये नेटवर्किंग वाला आदमी सोचता है, और वे खुद ही नहीं सीखते तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? अगर कुछ सिखाते भी तो सिर्फ नेगेटिव सिखाते हैं। जैसे टोपाज ने गोल्ड को बोला, यार ऐसा है आप चार कोहिनूर बनाओ। देखो बात को ध्यान से समझना, तो गोल्ड मान लिया, ठीक है सर चार कोहिनूर बनाते हैं और बड़ा काम करते हैं। लेकिन उधर से पर्ल बोलेगा, ए तेरा क्या फायदा है यार, तेरा क्या फायदा है? तू तो ये मतलब जो है प्रमोट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं क्या है। वो नेगेटिव कीड़ा छोड़ देगा कोई ना कोई। अब वो जो चार कोहिनूर बनने थे, वो टारगेट जीतने थे, उनके भी बड़े चेक बनने थे, लेकिन उनको मिसगाइडेंस कर दिया, बोला इसमें तो सिर्फ अपलाइन का चेक बनेगा। अरे कई लोगों के चेक बनते हैं, अपलाइन का अकेले का चेक थोड़े बनता है। और आप भी तो किसी का अपलाइन हो, तो आपके बड़े बड़े चेक नहीं बनने चाहिए। तो लोग क्या है ना, नेगेटिव बहुत जल्दी सिखा देते हैं, हैं? और बोलते हैं मैं जो बोलता हूँ वही करेगा, ठीक है तू डायरेक्ट ज्यादा होशियार मत बन, हैं? उसको मिसगाइड, उसका पोटेंशियल को हैंग कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी भावना मेरी टीम के प्रति क्या है, क्या मैं उन्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूँ? या हमारे जो बेबी होते हैं, छोटे छोटे बेबी को हम कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा होता है बेबी। ऐसे जो न्यू बॉर्न बेबी सेफ शॉप में है, वो एकदम एक्साइटेड है, उनको सही पाथ में डाल दिया, सही इन्वायरमेंट दे दिया, तो बहुत आगे जाएंगे। ये सेट वर्किंग वाले जो नॉट वर्किंग, पैसा छापने वाले लोग सिर्फ क्या करते हैं, उन्हें असफलता ही सिखाती है, दिखाती है, बोला रहे यार मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मेरा दोनों साइड नहीं चल रहा, मेरा एक ही साइड चला रहा अपलाइन। इतना गंदा अपलाइन मैंने कहीं नहीं देखा, एक ही साइड चला रहा है, दूसरी साइड क्यों नहीं चला रहा पता नहीं। तो अभी बताओ, वो तो नया नया आदमी, उसको मालूम नहीं है कि दोनों साइड अपलाइन नहीं चलाता है, एक ही साइड चलाता है सिस्टम। लेकिन वो समझ जाएगा, डर जाएगा, क्या मुझे चेक मिलते हैं? अगर हाँ तो क्या वे बढ़ती राशि में है? ये आपको पूछते रहना है। आप अवेयर ही नहीं है, चेक बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो कोई बात नहीं, पूछ रहे हो नहीं। अगर आपका चेक नहीं बना तो आपको चैन नहीं आना चाहिए। आपका चेक नहीं बना तो उस हफ्ते आपको बिल्कुल पागल, एकदम जैसे बोलते नहीं पागल कुत्ता कैसे भागता है इधर से उधर मुंह लेकर कैसे, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। पागल लोगों ने ही इतिहास रचा है, समझदार लोग तो नौकरी करते हैं, समझदार और इंटेलिजेंट लोग तो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं,
उन्हें चेक ही नहीं मिलते। ये जो नॉट वर्किंग वाले हैं इनको ज्यादा लंबे टाइम तक चेक नहीं मिलते, क्योंकि ये सेल्फिश है, सिर्फ अपना चेक बनाते। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है, बोलते हैं हमारे साथ बड़ा काम नहीं हो रहा। अरे तेरे साथ बड़ा काम कैसे होगा, तूने भूलजाई लगा ली पूरी अपने टीम में, अपना खुद का, और टीम लीडर का भी तूने चेक नहीं बनवाया। वो इनोसेंट है, अनजान है, तेरे प्रति पूरा सहनशील है, तेरे प्रति समर्पित है, इसका मतलब तू खुद ही भूलजाई लगा देगा। ये भूलजाई का धंधा बंद करो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा करना है तो सेट वर्किंग हो रहा है, आप लोगों की सक्सेस के लिए काम करिए, है ना। नो इंडिविजुअल कैन विन ए गेम बाय हिमसेल्फ। अगर आप अकेले अकेले करेंगे तो गेम नहीं जीतेंगे, ठीक है। तो कल वाला जो हमने रिपीट कर दिया, इसलिए कि संख्या बढ़ रही है, अभी 200 लोग पूरे हो गए हैं। अकेले काम करने से कहां कहां से टूटता है, वीडियो देख लिया था कि नहीं देख लिया था आपने? जी गुरुदेव, हाँ देख लिया था। और हाँ, और बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन ये दीवार है, इस दीवार में से अगर आपने एक ईंटा निकाल दिया तो ये दीवार गिर जाएगी क्या? नहीं गिरेगी। नो, ये एक दीवार, आप एक ईंटा निकाल दोगे तो ये दीवार गिरेगी नहीं, लेकिन इस दीवार में कंट्रीब्यूशन जरूर है उसका। उसका एक एक ईंट निकाल देंगे तो इसका दीवार का रूप कम हो जाएगा। तो आप कम से कम इस कंफ्यूजन में मत रहो, है ना। गुड इंटेंट के साथ ट्रॉफी जीतने का वादा करो। हाउ टू वर्क विद टीम, टीम के साथ कैसे काम करना है, ये वीडियो एक बार और देखते हैं, जरूर देखिए इसको बार बार, पहला देखा था हमने, परफॉर्मेंस कैसे करना है। जल्दी आप टीम का सही निर्माण कर लेंगे, जितना जल्दी छटनी कर लोगे उतना जल्दी आप आगे जाने वाले। एक प्रोडक्टिव लीडर होता है
परफॉर्मर होता है और टीम के लिए काम करता है, और एक डिस्ट्रक्टिव होता है जो उल्टी दिशा में एनर्जी लगा रहा है। एनर्जी तो लगा रहा है, वो पीछे खींच रहा है, वो ताकत कितना लगा रहा, जूते घिस रहा, बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन ताकत लगा रहा है उल्टी दिशा में, और जो कर रहा है उसको भी पत्थर मार रहा है, अरे रहने दे, ये अपलाइन खराब है, ऐसा है, वैसा है, या ऐसा, तो मिसगाइड करता है। तो लोगों को एक्टिव करने के लिए उनको FIM करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग वीडियो दिखाना है, ग्रुप मीटिंग बाय सिल्वर एंड एबो लीडर्स, हर सिल्वर को ग्रुप मीटिंग करवाना है, हर लीडर जिसका नौका टीम है उसको ग्रुप मीटिंग करना चाहिए। अभी हम जूम पे ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, पहले लोगों को लाने में बुलाने में, और कहाँ करें तो पार्क में करेंगे, पार्क में बुलाते थे हम लोग हमारा मेन मतलब जो है पुलिया पार्टी की तरह हम भी पार्क पार्टी करते थे, वहां आ जाओ वहां पे पार्टी करेंगे, वहां पे मतलब प्लान करेंगे, वहां पे मीटिंग करेंगे, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है। अब तो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, बढ़िया होटलों में कर सकते हैं, और काउंसलिंग करिए। अगर आपका रिजल्ट का चेक नहीं बढ़ रहा है, आपका लीडर का, आपका लीडर का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है, तो उसको काउंसलिंग की जरूरत है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में सपने कैसे पूरे करें, कैसे पूरे करेंगे सपने, खुद को सफलता के लिए तैयार करें। अगर मैं आपको प्रेशर बना रहा हूं कि आज बीवी निकालो, मैं अगर आपको मोटिवेट कर रहा हूं बीवी निकालो, आज मैं आपको बोलूंगा तभी आप प्लान दिखाएंगे, तो आप खुद सफलता के लिए तैयार नहीं है। सब आपको टैबलेट के लिए और लैपटॉप के लिए मैं कसमें दिलवा रहा हूं, टारगेट जीतने के लिए मैं वादे करवा रहा हूं, और मैं आपके ऊपर ज्यादा वो कर रहा हूं, तो आप सफलता के लिए खुद तैयार नहीं है। सब आप सफलता के लिए खुद तैयार हैं तो आप क्या करेंगे, मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे, मेरे पीछे लग जाएंगे, अपलायन के पीछे लग जाएंगे, सर ये कैसे होगा, ये मेरे को अराल में करना है, सर अभी तो इतना ही प्लान हुआ, अभी इस घंटे में 5 प्लान होने थे, अभी तो सर 3 ही हुआ है, सर 200 ही बीवी निकला सर अभी 3 घंटे में, शाम तक तो सर इस हिसाब से 600 ही निकलेगा, मेरे को तो 2000 निकालना है। अपनी ताकत को जाने, आपने कभी एक बार किया था, अगर आपने एक बार टारगेट जीता था इसका मतलब ताकत तो है, अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट करो, जो पहले काम किया था वो करो, और अपना नजरिया ठीक करें, लोगों की कमियां नहीं निकालें, अपने अंदर क्या है उसका भरपूर फायदा लें, और जो आपके घर में जो एप्पल रखी हुई है उसमें एक जगह दाग लगा हुआ है, तो आप रो रो करके देख देख करके उस एप्पल को पड़ा रहने दो, पूरा सड़ जाएगा, या फिर उसको बाहर फेंक दोगे, नहीं वो क्या करेंगे, आप उसको धोएंगे और बढ़िया से जो खराब पोर्शन है उसको निकाल के अच्छा पोर्शन आप यूज करेंगे, यही करेंगे ना। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आपका अपलाइन में जो कमियां है उस पर आप ध्यान मत दो, आप तो अच्छी चीज का तो फायदा ले लो, आपके टीम लीडर में, आपका टीम लीडर में जो अच्छाई है उसका फायदा ले लो, उसको ऐसी बात मत बोलो जो उसको बुरा लगे। बहुत सारे लोगों को नींद जो है प्रिय है, स्लीप इज वेरी लवली, मतलब उनको बहुत प्रिय है नींद जो है, नींद का वो मास्टरी है। अभी आप एकदम से उसकी नींद नहीं तोड़ सकते, वो नाराज हो जाएगा, अरे रहने दे यार मैं नहीं आना, क्योंकि शुरू में उसको थोड़े मालूम है कि डायमंड बनने से क्या फायदा होगा या वो बड़े लेवल पे जाए, वो तो अभी कच्चा माल है, कच्चा माल, कच्ची मिट्टी का मटका तो एकदम से टूट जाता है, तो इसलिए उनको संभाल के रखना है। अपना नजरिया ठीक कर दो, सबके ठीक हो, आप दूसरों का नजरिया ठीक करने के लिए, दूसरों को सुधारने में नहीं लगना, खुद को सुधारना है, और अपने माइंड की ताकत को जाने। आपका दिमाग इतना पावरफुल टूल है कि जो आप सोचोगे वो उसके बारे में 20 कारण बता देगा। आप टारगेट क्यों जीतना है, आप अपने दिमाग को बोलोगे ना कि मैं ये टैबलेट क्यों जीतूंगा, तो आपको 100 बातें बता देगा जीतने की, कि ये जीतने से तेरे घर में टैबलेट आ जाएगा, फिर तेरा लैपटॉप आ जाएगा, फिर जो है तू थाईलैंड यूरोप का टारगेट जीत जाएगा, पैसे बहुत सारे आ जाएंगे, नाम हो जाएगा, इज्जत हो जाएगी, टीम बन जाएगी, ऐसे आपके बहुत सारे फायदे दिखा देगा। लेकिन अगर आप ये अपने दिमाग को पूछोगे कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा, क्या ज्यादा क्या फायदा, रहने दो, तो वो आपको नहीं करने के फायदे बताएगा कि यार सुबह सुबह तेरे को जल्दी उठना पड़ेगा, रहने दे यार, और फिर लिस्ट बनानी पड़ेगी, और यार अपलाइन को फीडबैक देना पड़ेगा, और ग्रुप मीटिंग FIM करना पड़ेगा, ज्यादा पंगा नहीं लेना है, रहने दे अपना जैसा चल रहा वैसे ही। जिम्मेदारी स्वीकार करें,
और जिम्मेदारी जो है दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी क्या है, ली जाती है। और मैं आपको बता दूं, आदमी अपनी काबिलियत से ज्यादा पैसा कभी नहीं कमा सकता है, और काबिलियत आप बढ़ा सकते हैं, और आप जितनी जिम्मेदारी लोगे उतना ही ये बड़ा उद्योग होगा। अगर आप जिम आप एक अगर 5,000 का बन रहा है ना, तो आपने जिम्मेदारी 5,000 तक की ले रखी है भाई। आप 50,000 की जिम्मेदारी ले लो, आपका 50,000 का चेक बन जाएगा। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर इनकम, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर पोजिशन, ठीक है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर नेटवर्क। आपका यू के बाद लेफ्ट राइट में पूरा आपकी जिम्मेदारी है। ले हो तो सही आप जिम्मेदारी, अगर एक पर्ल पूरी जिम्मेदारी लेता है तो अपने टोपाज से बड़े चेक बनाता है। आप भले चेक कर लो नेटवर्क में जाकर के, नीचे जाके आप चेक कर लो, जो जितनी जिम्मेदारी ले रहा है वो उतना ही पैसा कमा रहा है, वो उतना ही बड़े टारगेट जिता रहा है। और जो जिम्मेदारी नहीं ले रहा ना, नेले का काम नहीं करता, अठनी का काम नहीं करता है, और बोलता मेरा चेक नहीं बन रहा। तेरा चेक कैसे बनेगा, तूने जिम्मेदारी नहीं ले रखी है, तू तो खेत में घूम रहा है, तू तो कहीं दुकान पकान में घूम रहा है, तू तो कहीं नौकरी में घूम रहा है। नौकरी में घूमना चाहिए, लेकिन नौकरी में बहुत टाइम है आशीष जी। ये खूंटा उखाड़ के फिंकवा दो, जो लोग बोलते हैं मैं नौकरी में हूं, उनको बोलो आशीष कुमार शाह को क्या सिखा रहा है। आशीष कुमार शाह तो नौकरी में ज्यादा काम करता था, ज्यादा काम करता था, ज्यादा मीटिंग अटेंड करता था। 100% आशीष कुमार जी आपके टीम में तो आपको कॉपी कर दो, जो आपने जो जो किया है ना उसको समझा दो भाई। किसको समझा रहा है, जिसने नौकरी में रह के बड़ा काम करके दिखाया उसको समझा रहा है, तो उसको समझाओ। एनएलयू कितनी है, 60 डेज। काटता कितना है, 62 डेज। अच्छा कैजुअल्यू कितना है, 30 डेज। चमचा लोग जो होते हैं कितनी काटते हैं, 35 दिन, 40 दिन। तो तू भी चमचा बन जा, करछी बन जा, तो लगभग 100 दिन तो उसकी छुट्टी है। गवर्नमेंट का पेमेंट लेते 100 दिन का छुट्टी मिला हुआ है नेटवर्क बनाने के लिए। जो लोग हमारे फौजी भाई नेटवर्क नहीं बनाते या कोई काम नहीं करते, कोई एजेंडा नहीं होता, वो क्या करते हैं, एक दारू की पेटी लेके आते हैं, अपने दोस्तों को फोन करते हैं मैं दारू की पेटी ला रहा हूं और पार्टी करेंगे। अब वो पार्टी करके एक दूसरे को प्यार से रहते हैं जब तक शराब रहता है। जैसे ही 15-20 दिन में शराब खत्म हुआ, अब उसकी पिटाई और करते हैं, नमूना है तू, एक ही बक्सा क्यों लाया, एक ही पेटी क्यों लाया, दो पेटी क्यों नहीं लाया, एक तो शराब पिलाया, मार खाया और पैसा बर्बाद किया और वापस आ गया। दूसरा फौजी सेफ शॉप वाला पूरा प्लानिंग बनाता है कि इस छुट्टी में मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर घर से भी परिवार को वहां ले आऊंगा, वहां पे अपना नेटवर्क है, वहां लग करके काम करूंगा और वहां एक डायनेमिक टीम बनाऊंगा, उनके अंदर डिसिप्लिन डालूंगा, ड्रेस कोड डालूंगा, प्लानर बनाऊंगा, उनमें एच्योर बनाऊंगा पूरा, क्योंकि मैं एक पाइपलाइन बना रहा हूं। आज आपने पेब्लो और ब्रूनो का वीडियो भी देखा होगा, पाइपलाइन बनाने का तरीका सीखा होगा। तो जिम्मेदारी स्वीकार करें साहब, अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो भगवान भी आपका जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। आप जिम्मेदारी ली जाती है, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है। दिया हुआ सामान तो कोई आदमी को वजन लगा तो रख देगा, लेकिन अगर पर्पज मजबूत है, वो उसने जिम्मेदारी लिया कि नहीं मैं इसको वहां तक पहुंचाऊंगा, इसको बोलते हैं बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना मतलब टू टेक द चैलेंज। चैलेंज नहीं लेते लोग, इसलिए जिम्मेदारी नहीं लेते। आप चैलेंज लो ना, मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये जिम्मेदारी लेता हूँ मैं। और अगर आपका अपलाइन ज्यादा जिम्मेदारी आपको देता है तो आपको खुश होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को ही ये काम देते थे, तो अरे तू इसके लायक है, तू खुश हो जा, तेरे को वॉलंटियर का ज्यादा मौका मिल रहा है, इसका मतलब तू सिलेक्टिव बंदा है, जिम्मेदार बंदा है, तेरे को दी जा रही है ये। उस जिम्मेदारी के लिए खुशी का अनुभव करो। फौज में छुट्टी किसकी रुकती है, जो काम करता है बाकी को तो भगा देते हैं। फौज में जो है बीपीटी में तो तेज दौड़ने वाला, जो एक्सीलेंट वाला को बीपीटी में एडम में रखेंगे ही रखेंगे, उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। जो फेल होता था उसको छुट्टी भेज देंगे, बोला ये फेल हो जाएगा, वाह वाह जी वाह। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जिम्मेदारी लो आगे बढ़ो, ठीक है, जिम्मेदारी लो और आगे बढ़ो। देखो ये काला काला क्या है धर्म सिंह, नोनी। आशीष जी पीते हैं, इसका मतलब नोनी ब्रेक हो गया। आप लोग भी अपनी अपनी नोनी दिखाओ मेरे को,
आप 100% उजर नोनी दिखाओ। हाँ नोनी कहाँ रखा है? मैं नानी की बात नहीं कर रहा हूँ, नोनी की बात कर रहा हूँ। कोई लोग बोलते हैं नानी, तो नानी तो हमने देखा ही नहीं, नानी है ही नहीं कहीं कुछ लोगों की। बड़ा मजा आता है ड्रिंक्स जो है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको सुबह शाम पीना है, दिन में 4 बार पियो थोड़ा थोड़ा। आशीष जी तो ग्लास में डाल के ही नहीं पीते, ये घूंट लेता रहता है ऐसे, सीधा घूंट ले लेते हैं थोड़ा सा। वाह यार क्या बात है, आशीष जी के लिए ताली बजाओ, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अपना नजरिया ठीक करें और अपने माइंड की ताकत को जानें, जिम्मेदारी स्वीकार करें। मैं बता दूं आपको, जितनी जिम्मेदारी लोगे उतना ही पैसा कमाओगे। फिर बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आपका चेक 1 लाख का नहीं बन रहा है, 10,000 का बन रहा है, तो आप जिम्मेदारी 10,000 का ही ले रहे हो साहब। आप 1 लाख की जिम्मेदारी ले लो, 1 लाख बन जाएगा। आदमी अपनी काबिलियत से ज्यादा पैसा कमा नहीं सकता और अपनी औकात से ज्यादा सम्मान अर्जित नहीं कर सकता। अगर आपको सम्मान चाहिए, लोग आपको पूछें और लोग आपकी बात माने, तो अपनी काबिलियत को बढ़ाइए। आप अपनी काबिलियत को बढ़ाओगे तो सम्मान तो अपना आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि सामान आ जाएगा हमारे पास सम्मान के साथ साथ। टीम वर्क की भावना विकसित करें। बहुत सारे लोग आपके टीम में सेल्फिश गेम खेलते हैं। अगर एक पर्ल ने किसी गोल्ड को बोल दिया जो दूसरी टीम में कोई मीटिंग भी लेनी पड़ जाए, तो वो आनाकानी ना करे कि सर मेरा इसमें क्या फायदा है। इसका मतलब तू तेरा फायदा है वही काम करेगा। टीम वर्क में यार, अगर गोलकीपर को पेट में लाइटनिंग थंडरिंग हो गई है, तो अभी गोलकीपर तो खड़ा नहीं हो सकता, तो कोई फॉरवर्ड में से या उस टीम में से ही तो छांटेंगे कि आपको गोलकीपर करना पड़ेगा। हैं जी गुरुदेव, एक्स्ट्रा किस लिए होता है? इसीलिए होता है। तो टीम वर्क की भावना विकसित करो। जो आदमी सफल हो रहा है उसको, उसके लिए सभी लोग तालियां बजाओ, उसको अप्रिशिएट करो, उससे घृणा मत करो। अगर आप उससे घृणा कर रहे हो कि इसका तो बड़ा बड़ा चेक बन रहा है, इसको तो ये टेबलेट जीत गया, ये तो लैपटॉप जीत गया, आपको खुशी होना चाहिए, खुशी का अनुभव होना चाहिए, तब आपको आएगा। और अपनी जानकारी को हमेशा बढ़ाते रहें। नॉलेज नहीं होता, लोग अपडेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ऊपर से जो मैसेज आता नीचे तक फ्लो नहीं करते, लोग अपने लेवल पे रोक लेते हैं। खुद को सफलता के लिए तैयार करना है, करेंगे? काम करने के लिए हमेशा अपना मूड तैयार रखें। बोले सर मेरा आज मूड नहीं है। जब मैडम गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाती हैं या मम्मी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाती हैं, उस समय आप ये क्यों नहीं बोलते मेरा मूड नहीं है मैं नहीं खाऊंगा? उस समय तो मुंह में आपके पानी आता है। हैं? सुनो, आप इतने बड़े अफसर नहीं है, आप कोई सेंसा नहीं है जो आपका मूड करेगा वैसा करोगे। पहले सफलता ले लो, पहले कुछ बन जाओ, फिर बताना मेरा मूड नहीं है। ठीक है? मूड, उस मूड के लिए वो आदमी होता है जो सफल है, जिसके पास पहले से सम्राट है, वो बोल सकता मेरा मूड नहीं है। अगर एक बात बताओ, धर्मसिंह जी आप नौकरी में थे और आपके बॉस ने बोला भाई ये डाक ले जाओ, आप डीआर डिस्प्ले थे, आप है ना डिस्पैच राइडर थे आप, जो खतरनाक मोटरसाइकिलें चलाते हैं, तो आप बोल सकते हैं क्या कि आज सर मेरा मूड नहीं है, देखो ये मेरा ना मेरा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा? बोलोगे? नहीं बोल सकते गुरुदेव। क्यों? बॉस को क्यों नहीं बोल सकता? बॉस है गुरुदेव, बॉस। तो फिर इधर क्या भैंस तेरे अपलाइन को भैंस पाटा समझ रहेगा? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो अपलाइन है वो ड्रीमर है, ड्रीम प्लान करवाता, उधर तो बोलता हाँ हाँ सर सॉरी सर, है बदमाश, तुम बदमाशी कर रहे हो, आपका एसीआर खराब कर दूंगा, तो बोलते सॉरी सर हाँ गलती हो गई। सही है जी, लेकिन ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे भी मूड बना लो। सुनो, ये शब्द उन लोगों का है ये मूड जो आलसी है और जो टालसी है, जिनका अलाइनमेंट नहीं है, जो जिंदगी में कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, वो मूड की बात करते हैं। अरे मूड का आएगा यार, ये मूड के लिए क्या है? अगर आप आपको सपना पूरा करना तो मूड क्या सा आ गया बीच में? हाँ मूड नहीं है, ऑब्जेक्टिव गोल नहीं है। दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने काम किया है कि नहीं किया? अरे काम किया कि नहीं किया? यस गुरुदेव। मंगल पांडे ने पहला क्रांतिकारी बनने का औहदा कैसे हासिल किया? उसने सबसे पहले गोली चला दी थी मेरठ में।
क्रांति कर दी थी तभी उसका नाम है। आप कामयाब बनना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखना इस स्लाइड को, दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जो काम करते हैं। इस दुनिया में कार्य का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारा जमाना विरोधी है लेकिन अगर आप काम कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो इसको पूजा समझो। हमारा एक स्लोगन रहता है यहाँ लगा रहता लोगों के यहाँ पे, कर्म ही धर्म है, वर्क इज वर्शिप। ठीक है, ये काम के लिए पैदा हुए हैं, उनको काम करना अच्छा लगता है। काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। धर्म पढ़ो, आपको हिंदी अच्छा पढ़ना आता है जी गुरुदेव? इसको इतिहास ऐसे व्यक्तियों की जीवन गाथाओं से भरा हुआ है जिन्होंने ऐसे कार्यों को करने का विचार मन में लाया और उनको करने का प्रयास भी किया जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, और इन लोगों ने अपने मकसद में सफलता भी प्राप्त की, और उन्होंने कभी भी अपने मार्ग में आने वाली किसी भी समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बहुत बढ़िया। अब आप बनना चाहते